बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी नगर दरवेश कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर संजय कुमार दुबे के नेतृत्व में शुक्रवार को थाना कोतवाली नगर पर आवेदिका राजकुमारी पत्नी ब्रजेश कुमार तिवारी देवी पाटन मंदिर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर की लिखित शिकायती तहरीर में कथिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 36 आनंद विहार नई दिल्ली प्राइवेट कंपनी के प्रबंधक निदेशक द्वारा कंपनी में पिछले 3 माह से वादी सहित 24 लोगों का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड बनाकर संविदा कर्मी के पद पर 35,000 रुपये प्रति माह वेतनमान पर रखा गया था। आवेदिका को कार्यालय में ड्यूटी के दौरान प्रबंधक उपरोक्त द्वारा उनके साथ बैठा एक अज्ञात व्यक्ति को कलम देने के बहाने बाहर भेज दिया गया और मुझे अपने पास बिठाकर सैलरी के बारे में बात करने लगे तथा अचानक मेरा हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगे। तब तक दूसरा आदमी आ गया। दूसरे व्यक्ति ने कार्यालय का अंदर से दरवाजा बंद करके मुझे गाली गलौज करने लगा, आवाज न करने के लिए कहा और आवाज करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। तभी मेरे सहयोगी संदीप, राजकुमार, राजेश तथा प्रिया आ गए, जिन्होंने आकर मुझे बचाया तथा समय पाकर दूसरा व्यक्ति भाग गया। मैं अपने साथियों के साथ प्रबंधक विक्रम सिंह राठौर उर्फ चौधरी कुमार सिंह पुत्र शमयदीन गिलौली थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को पकड़ लिया। मैं अपने साथ निदेशक उपरोक्त को पकड़ कर लाई हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करें। थाने पर मौजूद उप निरीक्षक श्रवण कुमार वर्मा, मैं हेड पंकज पांडे, कांस्टेबल अजीत कुमार, कांस्टेबल ध्रुवनाथ यादव के द्वारा अभियुक्त को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। सूचना मिली थी हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली को कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंपनी बनाकर एक व्यक्ति कुछ लोगों को ठग रहे हैं। इस सूचना पर इस और ये जानकारी हुई कि एक चौधरी कुंवर सिंह नाम का व्यक्ति है जो गिलौली थाना सोनवा का रहने वाला है। ये अपने को विक्रम सिंह राठौर बताते हुए और अपने को प्रबंध निदेशक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंपनी का बताते हुए यह बताया कि हमें भारत सरकार से जो विभिन्न कृषि योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की, उनके सत्यापन की जिम्मेदारी हमें मिली है और इसके लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट की बात की और तमाम बेरोजगार लोगों से हमारे जानकारी में 24-25 लोगों के जानकारी हुई है, उनसे पैसा लेकर इन्होंने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया, आईडी बनाया और 3 महीने तक इन्होंने इनसे काम भी लिया, लेकिन जब उनको पैसा सैलरी नहीं मिली तो इन लोगों को शक हुआ और इन लोगों ने जानकारी की तो ये पता चला कि ये फर्जी ढंग से इनको ठगा गया है नौकरी के नाम पर। इस सूचना पर कार्रवाई की गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। और कुछ लेकिन सभी लोग से तो नहीं ले पाए, कुछ लोगों से लिए, 2-4 लोग ऐसे हैं जो दिए। एक लड़का दिया है 30,000, एक दिया है 60,000, एक दिया है 20,000। संदीप देता है वो 20,000 दिए हैं, अतुल है वो 60,000 दिए हैं और मुकेश जो है वो 30,000 दिए हैं, ऐसे करके दिए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।